हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर मैथ्स क्लास। आज हम करने जा रहे हैं सब्ट्रैक्शन के सम्स। बच्चे, हमने कौन से सम सीखे हुए हैं? हमने सब्ट्रैक्शन के सिंपल सम सीखे हुए हैं, और आज हम सीखेंगे सब्ट्रैक्शन के सम्स बोरिंग वाले। ठीक है, बहुत इजी है बच्चे, बिल्कुल भी टफ नहीं है, अगर आप आराम से समझो तो। ठीक है, अभी आपका पूरा कॉन्सेंट्रेशन बोर्ड पे होगा, बाद में मैम आपको कहेंगे कि आप इसे नोट डाउन करो। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऊपर मेंशन करेंगे TO2। ठीक है, मेंशन कर दिया। अब हम ऊपर सम करते हैं, सम हम करते हैं, ठीक है, 2525 माइनस 1919। अरे मैम, 25 में से 19 कैसे माइनस होएगा? अब मतलब 25 में से 19 तो हो सकता है, बट 5 में से 9 कैसे माइनस हो सकता है? 9 में से 5 कर दे? नो, इसी को तो बच्चे बोरिंग कहते हैं, कि बोरो करके कैसे सब्ट्रैक्ट करना है और कैसे उसे सीखना है। ठीक है, तो सीखते हैं। देखो, अब 5 में से 9 तो माइनस नहीं हो सकता ना, क्योंकि 5 जो है वो छोटी डिजिट है और 9 जो है वो बड़ी डिजिट है। तो कैसे करेंगे हम? 5 को कहेंगे कि अपने फ्रेंड के पास जाओ और 1 बोरो करके आओ। तो 5 गया 2 के पास, उसने कहा मुझे 1 बोरो कर दो, तो 2 ने क्या किया, अपना 1 5 को दे दिया और ये बन गया 1515। लेकिन जब 2 ने अपना 1 दे दिया तो यहाँ क्या बचा? 2 ने अपना 1 दिया तो यहाँ क्या बचा? 1। तो यहाँ आप लिख दो 1 और यहाँ क्या बन गया? 1515। ठीक है, अब 15 में से तो 9 माइनस हो सकता है ना, तो क्या करेंगे? 9 के बाद 15 तक काउंट करेंगे। कैसे करेंगे? आफ्टर 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 कर दिया। अब कितनी फिंगर्स आए, काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो आंसर क्या आ गया? 6। एक तो ये मेथड है, और सेकेंड मेथड क्या है? लाइन वाला। तो 15 लिखा है तो 15 लाइंस ड्रॉ कर दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ठीक है, हमने 15 लाइन ड्रॉ कर दी। अब उसमें से सब्ट्रैक्ट कितना करना है? 9। 9 लाइंस कट कर दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9। हमने 9 कट कर दी। अब हम रेस्ट ओवर लाइंस काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। कितनी लाइंस बची? 6। ऐसे भी आंसर 6 आएगा, और अगर हम इसके बाद से यहाँ तक काउंट करेंगे तो भी आंसर क्या आएगा? 6 ही आएगा। जो भी आपको शॉर्टकट लगे और जो आपको अच्छा लगे, अच्छे से समझ आए, आप वही मेथड यूज करना। ठीक है, आफ्टर दैट जब 2 ने 1 5 को दे दिया था तो वहां तो 1 बचा था, और 1 में से 1 गया, 1 में से ही 1 चला गया, तो क्या बचा? 0, मींस कुछ भी नहीं। समझ आया? चलो एक और सम करके देखते हैं, वन मोर। ऊपर हेडिंग आप डालोगे TO, ऐसा करते हैं, मैम ऐसे डाल देती हैं, क्योंकि पता क्या होता है, आपको यहाँ पे 15 लिखा हुआ ना, थोड़ा मिस सा लग रहा होगा, इसलिए आपको अच्छे से क्लियर हो, मैम ने यहाँ पे थोड़ा सा गैप छोड़ दिया। ओके, अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 62 माइनस 35। ठीक है, 62 में से 35 सब्ट्रैक्ट करना है। अब 2 में से तो 5 सब्ट्रैक्ट हो नहीं सकता, 62 में से तो 35 हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, बट 2 में से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। 2 छोटा नंबर है, 5 बड़ा है, तो क्या करेंगे? 2 को कहेंगे अपने फ्रेंड के पास जाओ ना, बोरो करके आओ। तो 2 जाता है 6 के पास और वो कहता है मुझे 1 दे दो, तो 6 कहता है ठीक है, उसने अपना 1 2 को दे दिया। पर जब 6 ने अपना 1 दे दिया तो उसके पास कितना बचा? 5। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? 5 ऊपर लिखेंगे, 5 लिख दिया। अब 12 में से, अब इस 12 में से जो है, 12 में से तो 5 जा सकता है ना, इसके 2 मेथड से, या तो आप 12 लाइंस ड्रॉ करो, उसमें से 5 कट कर दो, फिर काउंट कर लो। अदरवाइज सेकेंड मेथड क्या है, कि नीचे वाले जो डिजिट है उसको ऊपर वाले तक काउंट करो। कैसे? 5 को 12 तक काउंट कर दो, 5 के बाद 6, 7, 8, 9,
10, 11 and 12. कितने fingers आए? 7. तो answer भी क्या आया? 7. Done. अब next पे आ जाओ. अब next में हमें 6 में से 3 minus नहीं करना है, क्योंकि 6 ने तो अपना 1 दे दिया था. तो वहाँ क्या बचा था? 5. अब 5 में से 3 minus करना है. 5 fingers open करो और 3 minus कर दो. 1, 2 and 3. हमने 3 close कर दी. कितनी बची? 1 and 2. तो आंसर क्या आ जाएगा? 2727. क्लियर हो गया बच्चे? ऐसे ही आपको सब्ट्रैक्शन करना है. मैम आपको बता देती हैं, आप क्विकर मैथ्स की बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो और मैम आपको असाइनमेंट सेंड कर देंगी. बाकी का वर्क आप वहाँ से कर लेना. तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, आप मैम से बेझिझक होकर बिना हेजिटेशन के पूछ सकते हो. मैम आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देंगी. ठीक है? होप यू ऑल आर अंडरस्टूड. थैंक यू.